ऑपरेशन क्या सवाल है? ऑपरेशन क्या होता है भाई? प्लस भी ऑपरेशन है, माइनस भी ऑपरेशन है। कुछ लोग कहते हैं प्लस माइनस एक ही बात है भी ऐसे। मल्टीप्लाई डिवाइड भी ऑपरेशन है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन को डिफाइन किए कर रहे हैं कि ऑपरेशन अप्लाइड टू अ नंबर गिवन हैज इज रिजल्ट देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। व्हाट इज यानी ऑपरेशन जिसके साथ है उसके ट्वाइस में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं किसके साथ है ऑपरेशन? 9 के साथ। तो मुझे क्या करना होगा? 9 का ट्वाइस करना होगा 10 से। 2 9 सा कितना होता है? 18। 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8 जो मेरे पास आया है ये आया है फिलहाल ऑपरेशन 9। अरे एक ऑपरेशन का आंसर होता तो आ चुका होता। दोबारा देख लें, ऑपरेशन का निशान जिसके साथ होगा उसका ट्वाइस करके 10 माइनस करना है। किसके साथ है? 9। 9 का ट्वाइस 18, 18 माइनस 10। अब ऑपरेशन किसके साथ है? 8 के साथ। तो हमें 8 का ट्वाइस करना होगा। 8 का ट्वाइस क्या होता है मेरे भाई? 16 में से 10 माइनस कर दें 6। यही हमारे क्वेश्चन का यहाँ कह रहे हैं। नीचे वाला मैं पहले बता देता हूँ, ए बी का ऑपरेशन 2ab है तो वैल्यू निकालनी है। यानी देखो जिन दोनों के साथ ऑपरेशन है वो आपस में तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, 2 से भी हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही करूँगा, साथ 2 से भी कर दूँगा भाई। 3 बंदा 3 होता है, 2 से मल्टीप्लाई 6। इसका आंसर आ गया 6। अब एक और ऑपरेशन है, अब किसके दरमियान में? 2 के और 6 के दरमियान में। तो अब इसका मतलब है कि 2 और 6 को हम आपस में मल्टीप्लाई तो करेंगे साथ साथ 2 से भी करेंगे। 2 × 6 × 2 ये मेरे पास भाई 24 आ। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बड़ा आसान है ऑपरेशन, ये ग्रुप का चैप्टर अक्सर यहाँ पे छोड़वा दिया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। अब यहाँ देखें s − 1 t + 1 यानी इफ −2 ऑपरेशन x = −12 then x = −2 ऑपरेशन अगर है x के साथ तो बताएं x किसके इक्वल होगा अगर ये −12 के इक्वल है। तो मेरे भाई अब यहाँ बात क्या हो रही है? पहले तो देखो था क्या कि जो पहला वाला ऑपरेशन है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा जो हमें इस मौजूदा केस में दिया, बाद वाले ऑपरेशन में हमें 1 प्लस का है। यानी जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो इस तरह करने के पहली वाली चीज़ में से 1 माइनस करना है, बाद वाली में 1 प्लस करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? −2 − 1 अकॉर्डिंग टू दिस एस की जहाँ −2 फुट गया −1 में सी रहा, टी की जहाँ मैंने एक्स फुट कर दिया +1 हो गया, इक्वल टू किसके? −12। अब देखिए −2 और −1 होता है −3 होता है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा −12 − 3 को काट देगा, ये एक्स प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो कि कट के आ जाएगी। अच्छा भाई a4 आ जाएगी। और मेरे भाई अगर ये एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ −12 भी था जी बिल्कुल था सही है, तो अभी उधर ले जाके माइनस कर दें तो ये 3 आ जाएगा। तो ये ग्रुप थ्योरी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ये भी ई गेट के किसी भी टेस्ट में।